Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. आज के सुपर फास्ट रिवीजन सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन बात करने वाले हैं, वेक्टर के इंपॉर्टेंट सेक्शन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे पूरी पूरी बात करेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन एग्जाम टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज इसलिए है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एक सेशन में पूरी बात को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड और कुछ सेगमेंट में आपको प्रॉब्लम है तो हम देख लेते हैं कि आज पूरे सेशन में कौन किस टॉपिक पर और किस बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ लिया गया है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला कैसे परफॉर्म करें, कैसे डिराइव करेंगे, क्या फार्मूला होगा उस पर बात करेंगे। जैसा कि दूसरा पॉइंट है, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रॉपर्टीज, पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे एक बार हाईलाइट जरूर देंगे। और ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स को यूज करके कैसे करेंगे जरूर देखेंगे। जेई मेंस, निमचेट ऐसे एग्जाम के क्वेश्चंस को लेंगे और शॉर्टकट और ट्रिप्स और ट्रिक्स जहां पर भी यूज होंगी जरूर बताएंगे। तो सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहें सुपर फास्ट रिवीजन में। चलिए सीधे बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट सिर्फ बोल रहे हैं कि यहाँ तीन वेक्टर्स लिए गए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इनको मान रहे हैं नॉन जीरो और नॉन कोप्लेनर हैं। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी या बॉक्स के अंदर ए बी सी, इनको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल रहे हैं। क्यों इसलिए बोलेंगे, उसका कैसे करेंगे, की पॉइंट्स और फैक्ट्स क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये दोनों साइड में आपको हम बताएं बारी बारी से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि दिया गया है ए डॉट बी, कोई भी वेक्टर्स का डॉट होता है तो नंबर्स आता है यानी स्केलर आ जाता है, और कभी भी आप क्रॉस करें तो बोला जाता है वेक्टर आता है यानी प्रोडक्ट के बाद वेक्टर मिलेगा और यहाँ पर एक नंबर मिलेगा। अब तीन क्वांटिटी ली गई ए बी सी, तो अब हमें सिंपल है कि नंबर का वेक्टर से क्रॉस या डॉट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्रॉस करना होगा, क्रॉस करने के लिए ये वेक्टर बन जाएगा और ये भी एक वेक्टर है। अब दोनों का डॉट कराएंगे तो जब भी दोनों का डॉट कराएंगे तो नंबर बनेगा, इसीलिए ए डॉट बी क्रॉस सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट के बाद एक नंबर या स्केलर क्वांटिटी जनरेट होती है। एक प्रॉपर्टी यहाँ जरूर ध्यान दें कि यू आर फ्री टू इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस, यानी पोजिशन ऑफ डॉट डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है ए बी सी और विदाउट चेंजिंग द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स, मतलब ए बी सी ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स के ऑर्डर को चेंज नहीं किया, बट पोजीशन डॉट की जगह क्रॉस को और क्रॉस की जगह डॉट को, देखो ए क्रॉस बी डॉट सी, बस ब्रैकेट उस पर लगाएंगे जहां पर क्रॉस होगा। तो आप ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी दोनों सेम है, आप पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में डॉट और क्रॉस की, इसीलिए इसको बोला गया। बस ऑर्डर ध्यान रखा गया ए बी सी और बॉक्स में रख दिया गया, इसको बोला गया बॉक्स प्रोडक्ट। तो ये और ये और ये इक्वल हैं, बराबर हैं, इनको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल रहे हैं। अब कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए वेक्टर ए बराबर दिया गया ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, वेक्टर बी दिया गया बी वन आई बी टू जे और बी थ्री के, वेक्टर सी दिया गया सी वन आई सी टू जे सी थ्री के, मतलब वेक्टर्स एक्सप्रेस किए गए, तीन वेक्टर्स आपने उठा लिया आई जे के टर्म में एक्सप्रेस किया जाते हैं, आपको पता ही होगा इंट्रोडक्शन वेक्टर में बताया गया है। अब ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकालेंगे, तो सीधे एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और पहली रो में आप पहले वेक्टर्स के कोफिशियंट रख देंगे और रिस्पेक्टिव रो में और रिस्पेक्टिव वेक्टर्स के कोफिशियंट्स रख देंगे। जैसे कि पहला वेक्टर्स पहली रो पहले वेक्टर्स के कोफिशियंट्स और दूसरी रो दूसरे वेक्टर के कोफिशियंट और यहाँ पे तीसरा वेक्टर तीसरी रो तीसरे वेक्टर के कोफिशियंट्स ऑक्यूपाई करेगी। अब इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर देंगे, विस्तार कर लेंगे डिटरमिनेंट की, जैसे वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू जो आएगी वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आएगी। और इस डिटरमिनेंट एक्सपेंड नहीं करना जानते तो यहाँ देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो एग्जांपल लिया गया टू आई प्लस जे माइनस के, पहला वेक्टर ए वेक्टर लिया गया, यहाँ बी वेक्टर लिया गया आई प्लस जे प्लस के और सी वेक्टर हम पढ़ देते शायद ध्यान दिख ना रहा हो, टू आई प्लस जे प्लस के है। तो हमें ए क्रॉस बी डॉट सी यानी ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी या ए बी सी, यानी अगर ये निकल रहा है तो हम आपको बता रहे हैं कि ये ए डॉट बी क्रॉस सी भी होगा और ए बी सी भी होगा। तो यही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों की वैल्यू एक बार में इवैल्यूएट हो रही है। तो यहाँ देखें पहला वेक्टर ए है तो टू वन माइनस वन, दूसरी वेक्टर बी है तो वन वन वन, तो यहाँ वन 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 होगा और यहाँ पर टू वन वन लास्ट रो में होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया टू वन वन, ओके इंटरचेंज हो गया है यहाँ वन वन वन, ठीक। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अभी आपके सामने हम कर देते हैं जिससे कि आप डिटरमिनेंट अगर ना निकाल पाते हो तो निकाल लें। टू यहाँ पे देखिए वन
माइनस वन होगा, यहाँ माइनस वन, अब यहाँ जाएंगे तो वन माइनस टू होगा, आगे जाएंगे तो माइनस वन होगा क्योंकि ये माइनस वन है, और देखिए यहाँ पे वन माइनस टू होगा तो ये सिंपल ज़ीरो आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा और ये प्लस वन हो जाएगा, तो आंसर फाइनली टू आएगा। तो ये था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं और बॉक्स प्रोडक्ट या ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होता है ये आपने समझा। अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, मतलब डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा सकते हैं, इससे बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे ये लगाएंगे। तो हमने माना कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जैसा कि आई जे के टर्म में लिए हैं, आप वेक्टर्स को इन टर्म में ले सकते हैं या आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अभी बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब भी निकालते हैं तो उसको डिटरमिनेंट के तीर थ्री क्रॉस थ्री डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने जो सिंपल वेक्टर्स लिए हैं उनको दिखाया है कि ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि इट इज़ अ डिटरमिनेंट ऑफ थ्री क्रॉस थ्री, और डिटरमिनेंट है तो यानी डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉलो करता है। तो डिटरमिनेंट की जो जो प्रॉपर्टी आएगी अब यहाँ मेंशन करते रहेंगे, आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बार रिकॉल करनी है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे। तो देखें हमने यहाँ दिखा है ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब भी डेटा में लिखा जाता है तो वो साइड में लिखे जाते हैं। यहाँ पे आर फॉर रो है, यानी आर वन मतलब पहली रो को इंटरचेंज किया आर टू यानी दूसरी रो में, और दूसरी रो को पहली रो में। तो देखिए पहली रो दूसरी रो, पहली रो की जगह और पहली रो दूसरी रो की जगह आ गई। अब जब भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो इंटरचेंज करते हैं, जैसे लिखा गया है कि एनी टू रोज इंटरचेंज या एनी टू कॉलम्स इंटरचेंज इन डिटरमिनेंट्स, तो जब भी कॉलम और रो को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू जो है चेंज बाय माइनस साइन ओनली, मतलब केवल और केवल मैग्नीट्यूड सेम रहता है। टू है तो माइनस टू होगा, या थ्री है तो माइनस थ्री होगा, या माइनस थ्री है तो थ्री हो जाएगा, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो जो भी था उसका साइन चेंज हो गया। आगे फिर बढ़ेंगे, हमने क्या दिखाया R2 और R3, यानी इस वाले डिटरमिनेंट से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा। यहाँ आए हमने इन दोनों डिटरमिनेंट R2 मतलब दूसरी रो और R3 मतलब तीसरी रो, इनको इंटरचेंज कर दिया तो ये वाली डिटरमिनेंट मिलेगी। अब आपको माइनस माइनस क्या हो गया, फिर से प्लस हो गया। अब एक रिजल्ट हमें निकल के आ गया, जब हमने ए बी सी रखा था तो दिखाया गया था कि ए पहले आया है तो पहली रो ए के कोफिशिएंट डिसाइड करेंगे, बीच में बी है तो बी यानी कि दूसरी रो बी के कोफिशिएंट डिसाइड करेंगे, और लास्ट में सी है तो तीसरी रो यानी सी के कोफिशिएंट डिसाइड करेंगे। तो जिस तरीके से हम बॉक्स में वेक्टर रखते हैं डिटरमिनेंट में रो भी वैसे डिसाइड होती हैं। तो अब यहाँ देख लेते हैं, यानी ये वाली कोफिशिएंट्स, यानी यहाँ पे बी रखा जाएगा, यहाँ सी के कोफिशिएंट्स हैं तो सी रखा जाएगा, यहाँ ए के कोफिशिएंट्स ए रखा जाएगा। अगर यहाँ देख लें तो ये माइनस लगा है, अब बी यहाँ रखा जाएगा, ए यहाँ रखा जाएगा, सी यहाँ रखा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, क्या निकल के आया, दैट्स वाई वी कैन कंक्लूड या वी कैन से कि वॉक्स ऑफ ए बी सी यानी ए बी सी बी सी ए के बराबर है। अब यहाँ देखते हैं कि अगर कुछ आपको सिंपल कंक्लूड करना है तो आप एक सर्कल बनाइए और ए बी सी रख दीजिए। अब देखिए इधर आप घूमेंगे तो पॉजिटिव के साथ कंसीडर करेंगे, ये जगह हमने छोड़ रखी इसीलिए। अब देखिए बॉक्स में रखिए ए बी सी, पहला ए बी सी, अब यहाँ से बढ़िए इधर ही बढ़ रहे हैं तो बी के साथ बाद आया साइक्लिक सी, फिर क्या आया ए, अब यहाँ से बढ़िए तो सी ए बी, यानी आप एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं तो ये तीनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समान है, बराबर है, एक ही वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ से कंक्लूड क्या किया, ए बी सी तो इधर गए और बी ए सी, बी ए सी इधर आए, तो जब भी आप अपोजिट जाएंगे इधर जाएंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जब भी जैसे लिखा है आपने ए बी सी तो इसकी वैल्यू लिखी है, अब आपने क्या किया सी बी ए ले लिया तो माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा सी बी ए, क्योंकि सी के बाद ए आना चाहिए था सी बी ए। तो अब समझ आई बात की नहीं, तो जब भी एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव और क्लॉक वाइज घूमेंगे तो निगेटिव, जितने भी एंटी क्लॉक वाइज हैं वो समान होंगे और जो भी क्लॉक वाइज हैं वो आपस में समान होंगे और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ देख लिए हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर हम लोग नज़र डालते हैं, जैसा कि यहाँ लिया गया ए डॉट ए क्रॉस बी, बी डॉट बी क्रॉस सी, या ये दिखाया गया है ए बी ए बॉक्स में, तो उनकी सारी वैल्यू जीरो ली गई है। क्या दिखाया गया है कि आप ध्यान दें
तो देखे कि यहां पर ए ए वैक्टर्स, बी बी वैक्टर और ए ए वैक्टर्स, यानी तीनों में से कोई दो वैक्टर समान है। तो एक डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी थी, जैसे यह डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी रीजन है, इसको दिखा रहे हैं कि ये वाली रो और ये वाली रो क्या है, बिल्कुल डेक्टो समान है, आइडेंटिकल है, यानी इससे 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 समान है। तो एनी टू रोज एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू इज जीरो। तो कभी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या दो कोई कॉलम बराबर होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो वही रीजन यहाँ पर भी है, क्योंकि ये वाली कोफिशेंट्स ऑफ ए के सारे आएंगे और इसमें भी कोफिशेंट आप ए के आएंगे और ये बी के आएंगे, तो दो रो बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो कभी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीन वेक्टर्स में से कोई भी दो वेक्टर अगर आपके क्या हो गए, आइडेंटिकल या समान हो गए, तो वैल्यू हो गए जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप ध्यान रखें। आप यहाँ देखें ए प्लस बी, बी और सी बॉक्स में रखे गए, तो आपको दिखाया गया है कि ए बी सी यहाँ रखा गया है, फिर ये बी बी सी यहाँ रखा गया है। अब ये एनी टू वैक्टर्स आर जीरो देन बराबर आइडेंटिकल जीरो हो गया, तो ये बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी के बराबर हो। ऐसा क्यों हुआ, रीजन दिखाते हैं डिटरमिनेंट में कि एक कॉलम में, इस कॉलम पहले कॉलम में ये सम ऑफ टू एलिमेंट से बना हुआ है, ये सिंगल सिंगल है, तो जितने भी एलिमेंट से कोई कॉलम बना है, जैसे दो से बना है तो दो डिटरमिनेंट होगी, अगर तीन से बना है तो तीन होगी, अगर एन है तो एन में एक्सप्लिट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा। कैसे होगा, पहला ये कॉलम की पहली एंट्री ली, उसके साथ ये लिया, उसके साथ ये लिया, एक डिटरमिनेंट बन गई, देन आफ्टर दैट ये एंट्री के साथ ये कॉलम लिए, दूसरी डिटरमिनेंट बन गई, अगर ऐसे होता तो तीसरी बन जाती, तो डिकम्पोज हो गए, मैं दो दो अलग अलग डिटरमिनेंट बन गए। ऐसे यहाँ पर भी इसके साथ ये चले गए एक बॉक्स प्रोडक्ट और इसके साथ ये चले गए दो बॉक्स प्रोडक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, स्मार्टली यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कोप्लैनर कंडीशन पर। तो अब बात करते हैं कोप्लैनर क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो तीन वेक्टर लिया गया, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इनके कंपोनेंट के फॉर्म में अब ले लिया गया, इतना पता ही होगा। ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोप्लैनर, दैट मींस दे लाई इन द सेम प्लेन, यानी सेम प्लेन पर, एक ही तल पर, जैसे कि यह बोर्ड है और बोर्ड पे तीनों, जैसे मेरे हाथ हैं और ये फिंगर्स हैं, ये सारे एक कोप्लैनर है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो कर देनी है। ट्रिक्स क्या है कि अगर आप तीन वेक्टर्स दिए गए तो डिटरमिनेंट बनाइए और कोफिशिएंट्स रख के इनकी वैल्यू जीरो कर दीजिए, इतना करना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वेक्टर ए दिया गया आई प्लस टू जे प्लस के, वेक्टर बी दिया गया लैम्डा आई प्लस जे प्लस टू के, और वेक्टर थ्री सी दिया गया आई प्लस थ्री जे प्लस के, आप कोप्लैनर वैल्यू आप लैम्डा, क्या टू माइनस टू जीरो और नन। तो सीधे स्ट्रेट फॉर बताया गया कि वन टू वन लैम्डा वन टू वन थ्री वन बराबर जीरो, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो करेंगे, सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू आना आती होगी, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, टू। तो यानी कोप्लैनर वेक्टर्स को सीधे क्या करना है कि आप तीन वेक्टर्स को डिटरमिनेंट बना के जीरो कर देना है, और कोई भी अगर अननोन निकालना है तो आप फाइंड कर लेंगे। यानी कि कोप्लैनर का क्वेश्चन अगर आता है तो कहीं ना कहीं वो कोप्लैनर क्वेश्चन नहीं, वो डिटरमिनेंट का ही क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगती है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनडायरेक्टली डिटरमिनेंट के ही बारे में, तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को अगर पढ़ना है तो उससे अच्छा है कि आप डिटरमिनेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा लीजिए, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। लास्ट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ईजी भी हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चन के आंसर देने, ऑप्शन आपको देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई है वन, देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन सी क्रॉस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन ए क्रॉस बी डॉट सी है, और प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन बी क्रॉस सी डॉट ए। देखने बहुत बड़ा है बट बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन है थ्री वन माइनस वन एंड नन ऑफ दी, जरूर आंसर करें, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस के डॉट होगा, तो k डॉट के जे के आई, तो k डॉट आई क्रॉस जे होगा, तो यहाँ पर 1 माइनस वन थ्री और नन ऑफ दीज। ए वेक्टर दिया गया i माइनस के, बी वेक्टर दिया गया एक्स आई प्लस जे प्लस वन माइनस एक्स के है, और सी वेक्टर है वाई आई प्लस एक्स जे वाई आई प्लस वाई जे, हाँ वाई आई प्लस एक्स जे प्लस वन प्लस एक्स माइनस वाई के है। तो ए बी सी डिपेंड्स ऑन, डिपेंड होगा नाइदर एक्स नॉर वाई पर, बोथ एक्स एंड वाई, ओनली एक्स एंड ओनली वाई। तो दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, वेक्टर ए दिया गया कंपोनेंट के फॉर्म में टू थ्री वन, वेक्टर बी है वन लैम्डा वन, और सी है माइनस थ्री वन और टू, तो ये कोप्लैनर है, तो कोप्लैनर लैम्डा की वैल्यू क्या है, वो टू माइनस टू वन एंड नन ऑफ दीज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन जीरो माइनस वन नन ऑफ दीज। ये पांच क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, अच्छे क्वेश्चन जरूर दें सुपर फास्ट डिवीजन में। आज इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्लीट किया,
सुपर फास्ट डिवीजन में अभी तक हमने तीन पार्ट वेक्टर के दिए हैं। एक पार्ट में बात की है स्केलर प्रोडक्ट की, दूसरे पार्ट में बात की है क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट की, आज बात की हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। आगे इन सारे टॉपिक की अगर और डिमांड है, वेक्टर में कोई भी टॉपिक की डिमांड है या सुपर फास्ट डिवीजन में कोई भी टॉपिक मैथ्स का अगर आप डिमांड करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। और अगर आप अभी लास्ट में टेस्ट देना चाहते हैं तो मावला साइट पर आप टेस्ट दे सकते हैं, उसका लिंक है www.mawlaonlinetest.com, उस पर जाकर रजिस्टर करें और टेस्ट दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं फ्री है। और एक और बात है कि आस्क मावला ऐप जो हमारा चल रहा है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है आप उसको स्नैपशॉट के थ्रू आप वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए, आंसर्स आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ क्वेश्चन अच्छे पड़े हैं तो आप उसके आंसर्स कर सकते हैं। मावला क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप निरंतर जुड़े हुए हैं तो सारे प्लेटफॉर्म सारे रिसोर्सेज आपके लिए हैं, आप उनको यूज़ करिए। चलिए मिलते हैं नए सीरीज में सुपर फास्ट डिवीजन में कोई नए टॉपिक के साथ जो आप सजेस्ट करेंगे, कमेंट्स करें जरूर।